मोमिन आदिल सर। वो मोमिन आदिल मम्मी ने जाना है। वो सर जी फिर के सर बात ये है सर के मैं मॉडल गर्ल नहीं थी सर। इस शो में मेरा पहला जॉब है, जिंदगी में पहला जॉब है सर। तो आपने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी थी सर? वो मेरी एक दोस्त मॉडल गर्ल थी सर, वो कहती थी कि मॉडल गर्ल का जॉब ग्लैमरस होता है, इस तरह जल्दी नौकरी मिल जाती है और लोग स्मार्ट लड़कियों को पसंद करते हैं सर। ये मोमिना आदिल तो तुम्हारा ठीक ही नाम है ना? क्यों नहीं सर, पहले मेरा नाम मोमिना इब्राहिम था जी। मोमिना इब्राहिम? यू हैव मैरिड ट्वाइस? नहीं सर, इब्राहिम मेरे अब्बा जी का नाम था जी। एक तो मोमिना मुझे ये नहीं समझ आती कि तुम्हारा झूठ कहां से शुरू होता है, सच कहां जाके खत्म होता है। सभी का यही हाल है सर। हरल मुझे जल्दी है, मुझे काम से जाना है। एक्सक्यूज मी प्लीज। बेटा बात तो सुन बेटा, मोटरसाइकिल पे सवार था। कमाल कर दिया आपने इरशाद साहब, सूख नहीं डाल दिया था। लगता है आज तो सारे शहर के टेलीफोन खराब हैं। शुक्र करिए कि मैं आ गया। अब मैं तुझे क्या बताऊं शुजा? नहीं आंटी जी, आपको कुछ तो पता होगा ना कि वो इस वक्त कहाँ है। वो मुझे कभी कुछ बताता हो तब ना। वैसे अगर कोई सीरियस बात होती ना तो मुझे खुद बताता। अब पता नहीं तुम किस बात को सीरियस समझते हो और किसको नहीं। वो आया तो उसके बाल बिखरे हुए थे, अजीब हालत थी बेटा उसकी। अजीब आदमी है ये भी। वैसे आंटी जान, आपका ये रॉबिन हुड एडवेंचर का इतना शौकीन है कि बस क्या बताऊं।
अब पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा, कहाँ होगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ बिल्कुल। कोई अटेंड नहीं कर रहा। अच्छा आंटी जान, ये कोई अचानक हादसा नहीं है। मुझे रिशाद ने बताया ना कि एक आदमी उसे काफी दिनों से फॉलो कर रहा है, तो यकीनन ये कोई प्लान्ड खेल है, कोई स्कीम है इसके पीछे। मोटरसाइकिल पर बहुत दिन से उसका पीछा कर। ओह माय गॉड। हाँ हेलो, देखे पीएस साहब को बुलाएं। क्या कहा, नहीं है? अच्छा भाई, वो डायरेक्ट लाइन भी कोई अटेंड नहीं कर रहा। ये इरशाद साहब कहाँ है? भाई मैं कोई भी हूं, तुम्हें क्या लापता करो? क्या इरशाद साहब ऑफिस में है क्या? जी इरशाद साहब, मैं कोई फ्रांसीसी बोल रहा हूं। इरशाद साहब, ताज्जुब की बात तो ये है कि उस डाकू की और मेरे रहनुमा की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, जैसे दोनों जुड़वा भाई हो। एक ही जैसी शक्ल, एक ही जैसा कद, एक ही नाक नक्शा। इरशाद साहब, पता है आप देर से आने के लिए मुझे ये बुल एंड कॉक स्टोरी सुना रहे हैं, या फिर आपको हेलोसिनेशन हुई है? यू नो आजकल तो वैसे भी पोल्यूशन की वजह से हेलोसिनेशन आम है। तो आप ये समझती है कि ना मुझ पर वो हमला हुआ, ना मुझे कोई बचाने के लिए आया, ये सब कुछ मेरी नजर का धोखा था सारा वाकया। इरशाद साहब, मैंने एक बहुत अजीब बात नोट की है। आप उन लोगों में से हैं जो अपना बहुत सा वक्त इधर उधर की बातों में जाया कर देते हैं और असल बात का क्यों ही नहीं पकड़ते। वो भी यही कहते हैं। वो कौन? हजरत मोहम्मद हुसैन साहब, पोस्टमैन। इरशाद साहब, Are you all right? Yeah. आप जरा कार रोकेंगे? देखिए कितना खूबसूरत मौसम है। आपका जी नहीं चाहता कि हम कुछ देर के लिए यहाँ रुक जाएं, मौसम एंजॉय करें, गपशप करें? मैं जरूर चाहता आपके साथ जरा, लेकिन मार्था का फोन आने वाला है, मैंने घर पहुंचना है, मेरा पहुंचना भी बहुत जरूरी है। मार्था का फोन? लेकिन मैंने तो सुना था कि उसे आपने डाइवोर्स कर दिया। तलाक तो उसने मुझे दी। तो फिर आप क्यों उसके फोन का इंतजार कर रहे हैं? मैं जब तलाक हुई थी तो ये तो तय नहीं पाया था कि मैं उसका फोन अटेंड नहीं करूंगा या वो मुझे फोन नहीं करेगी। इरशाद साहब जी, इरशाद, आप बहुत एक्सेंट्रिक हैं। यू नो आपकी ये बात बड़ी बुरी भी लगती है और अट्रैक्ट भी बात करती है। अब देखिए आपका मेरा कितने किलोमीटर्स का साथ रहा है ना, लेकिन आपने मुझे एक बार भी ये नहीं बताया कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। ये कहना कोई जरूरी था? आपको मालूम नहीं? शायद मुझे मालूम था, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। उसकी शक्ल हजूर बिल्कुल आप जैसी थी। हाँ तो फिर? हजूर मैं समझ नहीं पा रहा कि डाकू भी वही और बचाने वाला भी वही। फिर कहते हो सरनामा लिख दूं, मोहर लगा दूं, रजिस्ट्री भी कर दूं। ओ भाई, मारने वाला भी वही है जो जिंदगी बख्शने वाला है, वही रहीम करीम है, वही कहार जब्बार है, वही कश्ती है, वही भंवर है। तुम जैसे अहमक सारी जिंदगी कांटे चुनने में बसर कर देते हो और कांटे ही को जिंदगी समझते हो, गुलाब तक पहुंच ही नहीं पाते। कभी गुलाब भी कांटों से जुदा हुआ, कभी रात भी बिछड़ी है दिन से। समझ गया सरकार, समझ गया। कुछ नहीं समझे, न समझ सकोगे सारी उम्र। तुम अभी रंग ढूंढते हो, हालांकि तजल्ली का कोई रंग नहीं। सारे रंगों के मजमुए का नाम तजल्ली है। मेरा दावतनामा लिख दीजिए सरकार। तेरा दावतनामा?